गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। आज हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं कुदरत का करिश्मा। एक कुदरत का करिश्मा है एक आइलैंड, और उसमें गहरे छुपे हुए हैं बहुत सारे राज। चलिए जानते हैं कहाँ पर है ये आइलैंड और उसके राजों के बारे में हम आज की न्यूज में आपके साथ बात करेंगे और आपको कुछ फोटोज दिखाएंगे। अगर आपको फोटोज पसंद आई, वो आइलैंड पसंद आया, तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप वहां पर जाना चाहते हैं या नहीं। और साथ के साथ एक लाइक ठूकते हुए जरूर जाइए पूरी वीडियो देखने के बाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ शुरू करती हूँ आज की न्यूज। आज हमारे सामने चीन से बहुत ही बड़ा मामला आ रहा है, जहां पर एक आइलैंड, आप जैसे फोटोज देख सकते हैं, आइलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आपने बहुत सारे आइलैंड्स के बारे में सुना होगा, या तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग आइलैंड में गए होंगे, या तो नजदीक आप गोवा में गए होंगे, गोवा में भी काफी सारे आइलैंड है। तो आइलैंड दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, पर आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आइलैंड में जिंदगी बसर की जा सकती है। आइलैंड में बहुत ही कम लोग रहते हैं, और या तो कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहां पर वहां पर रहा भी नहीं जा सकता। आज हम लोग चीन के एक ऐसे आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा बेहद ही खूबसूरत है, जैसे कि आप फोटोज देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो आइलैंड है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी है, और यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ही आता रहता है। और पिछली बार जब अर्थक्वेक यहाँ पर आया था, तब उसके बाद ही जो ज्वालामुखी वहां पर फटी थी, फटने के बाद वहां पर पत्थरों ने अलग अलग शेप ले लिया था। अगर आप इस आइलैंड को दूर से देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि इस आइलैंड में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, और ये बिल्डिंग काले और व्हाइट कलर की है। और आप लोगों को पता है कि चीन की काफी ज्यादा संख्या बढ़ चुकी है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हो चुकी है, तो अभी एक्चुअली गवर्नमेंट ने वहां पर रस्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले वहां पर रस्ते नहीं थे, अभी एक रास्ता बन चुका है। ये रास्ता कहीं पर एक जगह पर जाके खत्म हो जाता है, और उसके बाद आपको इस गाँव के अंदर एंट्री करने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता है। ये काफी ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर हर एक फैसिलिटीज है, रेस्टोरेंट है। वहां पर एक रेस्टोरेंट के एक आदमी से बात किया गया, तब उसने बताया कि एक्चुअली मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर से आया था इस आइलैंड को देखने के लिए, मुझे आइलैंड ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगा, उसके बाद मैंने यहीं पर शादी कर ली, और अभी मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, और मैं बेहद खुश हूँ यहाँ पर कि यहाँ की जो खूबसूरती है वो काफी ज्यादा कमाल की है। और लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इस आइलैंड को देखते हैं, वो ही हमारी आमदन है, वो ही हमारा साधन है। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये आइलैंड के बारे में जान के, इसकी फोटोज देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी और ये फोटोज अच्छी लगी है, या आप किसी आइलैंड पे गए हैं, आपको वो आइलैंड काफी ज्यादा अच्छा लगा है, या आप इस आइलैंड में जाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स नीचे खाली पड़ा है, एक बार जाते हुए देखते हुए जरूर जाइए कमेंट बॉक्स को, अगर खाली रहा तो भरते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज़।